हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंडन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? सो आज फिर से वीकेंड का दिन है। मैं यूजुअली वीडियो वीकेंड में बनाती हूँ क्योंकि वीकडेज में तो ऑफिस का काम होता है, बिजी रहती हूँ, तो वीकेंड में ही वीडियोस बनते। आज काफ़ी अच्छा धूप लगा हुआ है काफ़ी टाइम के बाद। अगर मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ तो 10 डिग्री है, बट 10 डिग्री में भी ऐसा लगता है कि ओहो कितनी धूप लगी है, तो बाहर घूम आ जाते। आज मैं बात करने लगी थी, टॉपिक पे ही बात करती हूँ सबसे पहले तो PSW के बारे में, क्योंकि अभी मेरे कोई फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मुझे PSW का फॉर्म भरना है, आपका कुछ आइडिया हो तो बता दो। तो मैंने कहा कि देखो यार, मैंने इस तरफ मैंने करवाई नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना होता है। बट फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने दोस्तों से पता किया जिन्होंने अभी अपना पोस्ट स्टडी जो ग्रेजुएट वीज़ा लिया हुआ है उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ आपको अपने अपने साइट पे जो UKVI का साइट होते हैं उसमें ग्रेजुएट रूट वीज़ा डालिए और वहाँ से सारे अपने सिर्फ डिटेल्स फिल करना है और कुछ भी नहीं है। लोग सॉलिसिटर के पास जा रहे हैं, जो मैंने सुना, जो मेरे फ्रेंड जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं सॉलिसिटर का हेल्प लेने वाली हूँ और वही बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे करना होता है। जब हम UK आ रहे थे हमने अपना जितना भी वीज़ा का प्रोसेस था वो भी अपने सॉलिसिटर से ही करवाया था, मतलब एजेंसी से करवाया था। तो यार इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है ये, उनको लगता होगा कि उन्होंने मुझे कहा कि कुछ स्कैन करनी होती है जो सिर्फ आप एंड्रॉयड फ़ोन से कर सकते हो, तो ये भी नहीं पता ये कैसे होगा कैसे होगा। देखो इसमें क्या होता है कि जब आपका ना डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें फिल करना होता है तो आप उसमें ऑप्शन है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन से करोगे तो ईजी है क्योंकि स्कैन उसमें ईजीली हो जाता है और अपलोड ईजी हो जाता है। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम लगता है उसमें। अब किसी भी अपने दोस्तों का फ़ोन लेके करवा लो वो स्कैन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके डिटेल्स फिल करने हैं, जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी अपने UK आने के टाइम पे जो वीज़ा एप्लीकेशन में फिल किया हुआ का सेम डिटेल्स होता है। इन साथ में उनको ये भी है कि मैंने अगर कुछ मिस्टेक कर दिया तो फिर मैं कैसे करूँ। देखो आप कैसे मिस्टेक करोगे, अपना नाम भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना, आप कहाँ रह रहे थे भरना, ये सब चीज़ आप कैसे मिस्टेक करोगे, सिर्फ यही भरनी होती है और कुछ भी फिल करना नहीं होता है। और जो कि आप ऑलरेडी फिल कर चुके कितनी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा मैंने यही चीज़ पहले भी डाला हुआ था। आप अपना जो UK आते टाइम का जो एप्लीकेशन था उसका एक बार अपना PDF खोल, क्योंकि आपके पास PDF आता है ऑनलाइन, तो वो खोल के रख लीजिए और देख लीजिए कि अगर आपको मैच करवाना है कि आपने पहले क्या डिटेल्स भरे थे तो सेम डिटेल्स अभी भी भरना है। ऑल दो आपके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको पता ही होगा कि क्या भरना है, ठीक है। सिर्फ उसमें जो स्कैन करने वाली चीज़ है, जो कि आपकी डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, आपका फेस स्कैन करना होता है, वो अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन से करते हो तो ईजी हो जाता है, जो कि आप अपने दोस्तों का भी लेके करवा सकते हो, ठीक है। और जो PSW के बारे में जो लोग पूछते हैं कि जो PSW जिन्होंने स्टूडेंट होते हैं फिर डिपेंडेंट होते हैं उनके कितने टाइम में आता है, कब हमें PSW अप्लाई करना चाहिए, तो देखो अभी मैंने सुना है कि जो सिंगल लोग भर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट एक सिंगल पर्सन भर रहा है, उसका तो 10 से 12 दिन में उनका डिटेल्स आ रहा है, का तो 10 से 12 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आ रहा है, उनके जितने भी अप्रूवल था वो आ रहा है। बट जो डिपेंडेंट के साथ है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वेटिंग पीरियड भी डिपेंडेंट का वहाँ पे मतलब 8 वीक्स बोला गया है, जो कि 2 महीने होते हैं, और एग्जैक्टली इस टाइम पे ना पूरे का पूरा 8 वीक लेकर ही वीजा आ रहा है। मतलब अगर आपने डिपेंडेंट के साथ फील किया हो और आप एक महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया और आप सोच रहे होगे कि क्यों नहीं आ रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि आपका वीज़ा 2 महीने से पहले आने वाला ही नहीं है। ये टाइम प्रोसेस, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ हमारा पूरा 8 हफ्ते ही लग गए थे। और जो वहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ एक ऐसा भी प्रॉब्लम है PSW के टाइम पे, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, वहाँ पे जब लास्ट में ना आपको एविडेंस का फ़ोटो अपलोड करो कुछ ऐसा करो करके आता है डिपेंडेंट के लिए, बताया गया मुझे, उसमें क्या होता है कि आपने आप जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो आपने पहले जब UK आते टाइम आपने अपलोड किया होगा, वही चीज़ को वापस से अपलोड कर दीजिए, उतना इनफ है। अगर उन लोगों को लगता है कि आपका थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो वो आपको बाद में ईमेल कर देंगे। अगर नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी ही अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अप्रूव करवा के ही आए हो, इस टाइम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, तो अपना सिर्फ अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, इनफ है। एंड वो मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद भी ना मुझे बताया कि वो हमेशा दिखता ही रहता है कि वो सबमिटेड जैसा दिखता नहीं है, वहाँ पे बार बार ना अपलोड करो, एविडेंस अपलोड करो करके आता रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, भले ही वो दिखता रहे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ पे ऐसे होता रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। और कुछ
पैसे की भी प्रॉब्लम थी कि जब आपका PSW 2 साल का होता है, जब आप यूजुअली डिपेंडेंट के साथ भरते हो तो वहाँ पे अमाउंट बहुत वेरी करता है, बताया लोगों ने, क्योंकि 2 साल के हिसाब से, जो कि है आपका हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, कि हेल्थ इंश्योरेंस जो 1 साल का है वो 624 pounds समथिंग है, अगर 2 साल का आप करो तो 1200-1300 के हिसाब से होना चाहिए। बट कभी क्या कहते हैं, कोई कहता है कि किसी का 200-300 कट जाता है, कोई कहते हैं किसी का 1500-1700 बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने अभी भरा है, मतलब इस साल भरा है, तो आपका वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो लोगों ने ना पहले भरा था उनका ये प्रॉब्लम आ रहा था। बट वहाँ पे उस टाइम पे जितना भी कटे आप उसको टेंशन मत लो, क्योंकि जब उनको लगेगा कि आपका अमाउंट कम कटा हुआ है तो वो बाद में वापस से आपको लिंक भेज देंगे कि भाई आपका कम कटा हुआ है तो आप और पैसे डालो, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अमाउंट होता है, जैसे किसी का होता है कि 2 साल का कटता है, 2 साल के हिसाब से आपका जितना कटना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कटे ना तो वो रिफ़ंड कर देते हैं, कम कटे तो वो मांग लेते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगेगा कि कम पैसा कट गया, क्या होगा, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो यही था PSW में। और कुछ सवाल हैं जो लोगों को लगता है कि हम खुद से नहीं भर सकते, मैं आपको उनको बता दूँ कि भाई आप आराम से भर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं जो कि आपको पता ही है, तो उतना ही भरना है। तो किसी सॉलिसिटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप UKVI की साइट में जाइए, ग्रेजुएट रोड वीजा डालिए, वहाँ पे आप पढ़िए क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन आता है तो अपना स्टार्ट कर दीजिए, जो जो डिटेल्स मांगते हैं वो डिटेल्स भर के सबमिट कर दीजिए, बस हो गया, दैट्स इट। और आपको वेट करना है, अगर आप सिंगल भर रहे हो तो 10-12 दिन, डिपेंडेंट के साथ भर रहे हो तो चुपचाप 2 महीने तक शांति से रहो, क्योंकि उससे पहले नहीं आने वाला, ये मैंने सुना, ठीक है? तो यही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। और कोशिश करूँगी कि किसी की अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प भी करूँ मैं, ठीक है गाइस? तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी लोगों के डाउट्स है, जिस जहाँ पे भी लोग फंसते हैं, मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन लेके आ जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी जो मेहनत है उसको भी थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो थोड़ा इस मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। तो फिर मिलते हैं अब न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।